हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सेफ़ है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। इस लेक्चर में हम जानेंगे कैलिमर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में कि ये कहाँ लोकेटेड है, और कुछ बेसिक फैक्ट्स भी इसके बारे में हम जानेंगे जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। साथ में हम ये जानेंगे कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, अगर हम माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी एक जगह है वहाँ पे जो बर्ड्स प्रेजेंट होंगी, जो साल पूरे साल उस जगह पे रहेंगी, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो साल के कुछ महीने में उस जगह आएंगी, तो उस जगह के लिए ऐसी बर्ड्स क्या हो जाएंगी, माइग्रेटरी बर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में कुछ बर्ड्स जो हैं अलग अलग जगहों से, जैसे इंडिया के अलग अलग पार्ट से या वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से इस जगह आती हैं, और जनवरी फरवरी के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं, तो पूरे साल वो बर्ड्स नहीं रहेंगी, और इसलिए हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो हम जानेंगे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में जो इस जगह आती हैं। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, माई आई डी सौरभ पांडे 009। इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, पहले ये जानते हैं कि पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। आपके पास ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे केरला दे देंगे, बी तमिलनाडु दे देंगे, आंध्र प्रदेश दे देंगे, कर्नाटका दे देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ लोकेटेड है। तो ये कहाँ लोकेटेड है, वो है तमिलनाडु। मेनली हमें पता होना चाहिए किस स्टेट में, वो है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के किस पोर्शन में, ये जो है ये है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब क्या है, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे ये कुछ बर्ड्स हैं, ये साल के महीने में आती हैं पॉइंट कैलिमर। तो हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, कुछ जो बर्ड्स आती हैं अक्टूबर या नवंबर के महीने में, क्या पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके लिए सेफ है, वहाँ क्या बदलाव आ रहा है। हाल ही में जो स्टडी हुई है उसने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि ये दर्शा रहे हैं कि जो पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इतनी सेफ नहीं है इन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। सो अगर हम बात करें इस सेंचुरी के बारे में, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो ये कब क्रिएट हुई, 1967, ये ध्यान रखना है। और किसके लिए क्रिएट की गई थी, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नियर थ्रेटन्ड ब्लैकबर्ग एंटीलोप। ये जो ब्लैकबर्ग एंटीलोप है इसके लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी, और ये फेमस भी है एक बर्ड के लिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैकबर्ग के बारे में तो शायद बहुतों को पता भी होगा, लेकिन किस बर्ड के लिए, किस वाटर बर्ड के लिए ये फेमस है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, वो है ग्रेटर फ्लेमिंगोस। अभी सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, इसकी ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो ये कोडई कराए और कोडई काडू विलेज है उसके ईस्ट में ये लोकेटेड है, और ये हो गया कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, इसके साउथ में पाल्क स्ट्रेट है, जो ये सेंचुरी है इसके साउथ में पाल्क स्ट्रेट है, और बहुत सारे सॉल्ट पैंस हैं वेस्ट और नॉर्थ में, मतलब यहाँ पे और नदर्न डायरेक्शन में आपके पास बहुत सारे सॉल्ट पैंस हैं। सॉल्ट पैंस क्या होते हैं, ये जहाँ पे जो सॉल्ट्स बनाए जाते हैं उन्हें हम सॉल्ट पैंस कहते हैं। नदर्न डायरेक्शन में आपके पास कई सारे सॉल्ट पैंस हैं, और जैसे ये है पाल्क स्ट्रेट, तो ये जो पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके साउथ में पाल्क स्ट्रेट लोकेटेड है। तो ये भी थोड़ा सा हमें इस ज्योग्राफी के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो द साइट हैज़ रिकॉर्डेड द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ माइग्रेटरी वाटर बर्ड इन इंडिया विद अ पीक पॉपुलेशन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रिप्रेजेंटिंग 103 स्पीसीज। तो हम ये देख सकते हैं कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स आती हैं, और क्या नोटिस किया गया कि लगभग 1 लाख बर्ड्स 1 लाख बर्ड्स आती हैं, जो कि अगर स्पीसीज की बात करें तो लगभग 103 स्पीसीज हैं। अक्टूबर के महीने की बात करें तो दीज वाटर बर्ड्स अराइव फ्रॉम कहाँ कहाँ से आती हैं, रन ऑफ कच्छ इंडिया से, ये मतलब ईस्टर्न साइबेरिया, बहुत दूर से ईस्टर्न साइबेरिया से, नदन रशिया, सेंट्रल एशिया, पार्ट्स ऑफ यूरोप फॉर देयर फीडिंग सीजन एंड स्टार्ट रिटर्निंग टू दोज ब्रीडिंग प्लेसेस इन जनवरी। तो अक्टूबर में आएंगी और जनवरी में वापस
चली जाएंगी। तो ये वाटर बर्ड्स जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम देखें, कुछ एग्जांपल्स हमें पता होना चाहिए जिनके नाम हमने सुने हैं, सारे एग्जांपल्स याद नहीं होने चाहिए लेकिन कुछ के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे ग्रेटर फ्लेमिंगोस की हमने बात की थी। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, नॉर्डमैन ग्रीन शैंग, स्पून बिल सैंड पाइपर, ब्लैक नेकेड स्टॉक, नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है जैसे ब्लैक हेडेड इबिस, एशियन डॉगविचर, लेसर फ्लैमिंगो, स्पून बिल डार्टर, पेंटेड स्टॉक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमें हमेशा माइंड में रखने हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कुछ एग्जांपल्स हमें पता भी होने चाहिए, क्योंकि क्योंकि आईएएस और आईएफएस दोनों का प्रीलिम्स साथ में होता है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्न जो है वो हमेशा हर साल 20 प्लस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी 25 क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं आउट ऑफ 100। तो इन जनरल जो क्वेश्चन है वो तो सभी कर लेते हैं कि ये सेंचुरी कहाँ पे है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछने लग गई है। तो इसलिए क्या है कि ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि पूछा भी जा सकता है। अगर हम बात करें जैसे जो स्टडी हुई है, स्टडी ने क्या हाईलाइट किया है, स्टडी ने यह हाईलाइट किया है कि द वाटर क्वालिटी एट द पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माइट बी अनसेफ फॉर एविफॉना टू फीड एंड ब्रीड। तो जो पॉइंट हाईलाइट किया जा रहा है इस स्टडी में वो ये है कि जो वाटर प्रेजेंट है इस पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो अनसेफ है। अनसेफ का मतलब ये है कि जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है इस वाटर में वो इतना इंक्रीज हो गया है कि जो बर्ड्स हैं उस पर फीड नहीं कर सकती या ब्रीड नहीं कर सकती, है ना। तो इस वजह से क्या है कि अगर माइग्रेटरी बर्ड्स उस वाटर को यूज़ करती हैं तो उससे उनकी जो एक्टिविटीज़ है शरीर के अंदर, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट होंगी और उसकी वजह से हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए। अब ये जो पॉइंट कैलिमर जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये प्रोटेक्टेड है, या हम ये कहें कि एक राम साइट है। अब रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप में से सभी को पता भी होगा कि रामसर कन्वेंशन रिलेटेड है वेट लैंड से, जो आर्द्र भूमि होती है उसके प्रोटेक्शन से ये रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन। और ये कब आया, 1971 में, और ये फोर्स में कब आया, मतलब इसको एनफोर्स कब किया गया, 1975 में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये जो पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक रामसर साइट है। इस कन्वेंशन के अंदर भारत में बहुत सारे रामसर साइट हैं, उनमें से एक पॉइंट कैलिमर भी है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये रामसर साइट है और ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या देखा जा रहा है कि जो केमिकल कंपनीज हैं आसपास बहुत सारी हैं, और स्मॉल स्केल श्रिम फार्म्स, यहाँ श्रिम फार्म काइंड ऑफ जैसे फिश होती है इसी तरह का एक दूसरा एक्वेटिक एनिमल होता है, या हम कह सकते हैं उसको हम श्रिम्प बोलते हैं, तो ये श्रिम्प फार्म्स भी वहाँ पे कई सारे हैं। और इस वजह से जो वेटलैंड है, जो ये पॉइंट कैलिमर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी अफेक्ट हो रही है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है और जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो अफेक्ट हो रहा है। स्टडी फर्दर ये कहती है कि जो टेम्परेचर है, जैसे ये पॉइंट कैलिमर है यहाँ पे कई जगहों पे जो टेम्परेचर है वो 36 से 40 डिग्री सेल्सियस तक हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो बर्ड्स आती हैं, अगर बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए आती हैं तो वो एग ले करेंगी। अब ये जो एग जब बनता है तो इस टेम्परेचर की वजह से इस एग के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं ये टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, और जिस वजह से क्या होगा कि जो एग है उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर एग का ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो उससे जो बच्चा है वो भी नहीं निकलेगा। तो इससे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो भी अफेक्ट हो रही है। स्टडी दूसरा जो पॉइंट रख रही है वो ये है कि जो पीएच लेवल है और सैलिनिटी है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। जैसे यहाँ पीएच लेवल का मतलब ये हुआ कि हम हाइड्रोजन प्लस आयन का कंसंट्रेशन नाप रहे हैं, तो अगर हाइड्रोजन प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इसका मतलब जो वाटर है वो एसिडिक है, उसमें एसिड कंटेंट प्रेजेंट है। अगर एच प्लस आयन का जो लेवल है वो कम है,
हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वो एल्कलाइन है. तो अगर वाटर बहुत एसिडिक है या वाटर बहुत एल्कलाइन है, दोनों केस जो है, दोनों केस में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ जो बर्ड्स के शरीर के अंदर होती है वो अफेक्ट हो सकती है. और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कई सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वो भी अफेक्ट होंगी. तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना. सैलिनिटी की बात करें, सैलिनिटी का यहाँ मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है वाटर में. तो ये भी देखा गया है कि जो वाटर है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो लेवल ऑफ वाटर है उसमें सॉल्ट कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. तो अगर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, इसकी वजह से भी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स की, वो भी इम्पैक्ट हो रही हैं. दूसरा जो पॉइंट है जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज इन सैलिनिटी, वो क्या है कि इस सेंचुरी के आसपास सॉल्ट पैंस बने हुए हैं. जैसे हमने पिक्चर में देखा सॉल्ट पैंस जहाँ पे नमक बनाया जाता है, तो अगर सॉल्ट पैंस हैं यहाँ पे तो क्या होगा कि जो सॉल्ट कंटेंट है, सॉल्ट कंटेंट हो सकता है कि वो ट्रांसफ़र हो जाए जो वाटर है इस पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और इसकी वजह से जो वाटर है उसका सैलिनिटी इंक्रीज हो सकती है. तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है. नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है कि जो केमिकल कंपनीज हैं इस पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड, तो ये जो केमिकल कंपनीज है ये भी बहुत सारे जो अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स हैं वो रिलीज़ करेंगे. जैसे कोई भी केमिकल कंपनी है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स वाटर में प्रेजेंट होंगे, और ये जो अनट्रीटेड वाटर है इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा और ये वाटर आके मिल जाएगा उस वाटर में जो प्रेजेंट है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. तो इससे क्या होगा कि जो वाटर है, वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स का प्रेजेंस है या फिर हम जो केमिकल का प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि अगर कोई भी बर्ड उसको कंज्यूम करती है या उस वाटर को यूज़ करती है तो क्या होगा, उसकी अंदर की जो भी एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट हो सकती है. और अगर कोई टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट है, जहरीला कोई तत्व प्रेजेंट है वाटर में, तो उससे उस बर्ड की डेथ भी हो सकती है. तो पाया ये गया जो तीन पॉइंट हैं, पहला पीएच का लेवल बढ़ रहा है, फिर क्या है सैलिनिटी बढ़ रही है, वाटर जो प्रेजेंट है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कई सारे केमिकल का अमाउंट भी बढ़ रहा है, और इसके अलावा इन तीन के अलावा क्या है जो टेम्परेचर है ये भी बढ़ रहा है. तो अगर इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आए और उनकी पॉपुलेशन फ्लरिश करे. कुछ टाइम तक माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगी, अगर ये सेम चीज़ कंटिन्यू रहेंगी तो अगले साल से नहीं आएंगी. इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये जो बैक्टीरिया है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये भी प्रेजेंट है जो वाटर है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. और ये जो फीकल वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल बर्ड्स के जो वेस्ट मटेरियल है उसको जब स्टडी किया गया, उस पर लैब में ले जाके स्टडी किया गया कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, कौन कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट था. अब ये देखा गया है कि अगर कोई भी बर्ड इस कॉलीफॉर्म इन्फेक्शन से ग्रसित है, मतलब जो बर्ड है उसमें ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है और ये बैक्टीरिया बर्ड्स को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो बर्ड्स का नेचुरल बिहेवियर अफेक्ट होगा, और साथ में ये जो टेंडेंसी है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन की और जो कैपेसिटी है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन की, वो दोनों आस्पेक्ट भी अफेक्ट हो सकते हैं. स्टडी फर्दर ये कह रही है कि ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज हैं इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी देखा जा रहा है. यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक का उपयोग ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है. ये एक ऐसी मेडिसिन है कि आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, अगर आप एंटीबायोटिक कंज्यूम करेंगे तो वो इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाएगा. लेकिन क्या है कि जब हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है उस एंटीबायोटिक्स के लिए. तो देखा क्या गया है कि ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है ये रेजिस्टेंट हो गया है बहुत सारी एंटीबायोटिक के खिलाफ. तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है. इसका ये मतलब है कि ये बैक्टीरिया ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और अगर हम कोई एंटीबायोटिक कंज्यूम भी करते हैं तो उन एंटीबायोटिक का इम्पैक्ट इन बैक्टीरियाज पे नहीं पड़ेगा. इसलिए क्या है कि ये बर्ड्स पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर रहे हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन को बाद में इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो ये ध्यान रखना है.
अब इसको रोकने की बात करें तो रोकने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हमने कहा कि ये रामसर साइट है और रामसर साइट में कई सारी गाइडलाइंस मेंशन होती हैं अंडर रामसर कन्वेंशन, तो उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है और स्टेट गवर्नमेंट मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट को भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। तो स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस इम्पोज करना है, सॉल्ट पैंस एंड अदर एक्वा कल्चर प्रैक्टिसेस अराउंड द सेंचुरी शुड बी प्रोहिबिटेड। जैसे श्रिम्प फार्म्स बहुत सारे बने हुए हैं और जो सॉल्ट पैंस बहुत सारे बने हुए हैं उनको रेगुलेट करना या फिर वहाँ से पॉइंट कैलिमर सेंचुरी जो है उसके अराउंड ये जो सॉल्ट पैन या एक्वाकल्चर जो हो रहा है इसको वहाँ से हटाना और कहीं दूर शिफ्ट कर देना। साथ में जो इको टूरिज़्म का मतलब है टूरिज़्म जो बेस्ड है जैसे जो नेचर पे बेस्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट कर रहा है या नेशनल पार्क विजिट कर रहा है तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इको टूरिज़्म, जो कि नेचर पे टूरिज़्म जो बेस्ड है उसे हम इको टूरिज़्म बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इको टूरिज़्म होता है मतलब बहुत सारे लोग पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने आते हैं और उस वजह से भी बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर में बहुत सी बर्ड्स आएंगी और उस समय टूरिस्ट भी बहुत सारे आते हैं इन बर्ड्स को देखने के लिए। तो क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस कॉज होता है इसकी वजह से बर्ड्स का बिहेवियर भी बदलता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इको टूरिज्म को भी रेगुलेट किया जाए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है और साथ में प्रीलिम्स में भी प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत फैक्चुअल प्रश्न बन सकते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया रामसर कन्वेंशन के बारे में और कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट है जो पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड वो भी हमें पता होना चाहिए। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि क्या जो ये पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या ये सेफ रहेगी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।